अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में सबका स्वागत है। आज हमारा उड़ान स्पेशल का एक और शो है जिसके लिए हमारे पास में एक खास मेहमान है। इनके मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये भिवंडी के यंगेस्ट कॉरपोरेटर है और साथ ही इन्होंने अभी जो करंटली जो मेयर इलेक्शन हुआ था तो इसमें ये कैंडिडेट भी मेयर कैंडिडेट थी एंड शी वॉज द यंगेस्ट मेयर कैंडिडेट एवर। और साथ ही शी इज द नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस। और भी इनकी बहुत सारी उपाधि है और भी इनके बहुत सारे अचीवमेंट है, तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ में है आज की मेहमान ऋषिका राका। थैंक यू। हाँ मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे यूथ आपको देख रहे होंगे एंड यू आर वन ऑफ द यूथ आइकॉन इन भिवंडी। तो हम आपसे शुरू करते हैं कि ये जो आप पॉलिटिक्स में जो आई है तो इसमें आपका आने का एक तो इंटरेस्ट क्या था और किस एज से आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ? सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्वॉल्व किया। पॉलिटिक्स की बात करूँ तो बेसिकली फैमिली बहुत सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं। मेरे दादाजी के टाइम से वालचंद राका और मेरे पापा प्रदीप या पप्पू राका के नाम से उन्हें जाना जाता है, उनके समय से एक लेगेसी चलती आ रही है। कभी भी हमारा एक बस एक शॉप नहीं रही है बाजार पेट में, पर उससे बियॉन्ड हमारा एक सोशल वर्क का हमेशा एजेंडा रहा है। भले ही वो ज़रूरतमंदों की मदद करने की बात हो, कास्ट के सामने देखे बिना लोगों तक हेल्प पहुंचाने की बात हो, लीडरशिप या पॉलिटिक्स की बात करें तो बचपन से भिवंडी में ही रहते, भिवंडी में मेरी पैदाइश हुई और यहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, हमेशा से मैंने एक लैक जो बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी कमी देखी है भिवंडी में। अनफॉर्चुनेटली इस सिटी के बाहर ही मुझे जाना पड़ा जब मुझे खुद को एडुकेट करना था या जब मुझे मेरा फर्स्ट जॉब चाहिए था, कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस चाहिए था, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू स्टेप आउट ऑफ द सिटी क्योंकि यहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। पर बाहर स्टेप आउट करके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर दूसरी सिटीज ये सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते और क्या लैकिंग है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो जॉब वगैरह एक साइड में रखकर फिर से मैंने सिटी में इन्वॉल्व होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का एक मौका ढूंढा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे वो मौका मिला 2017 में और नगर सेविका का इलेक्शन लड़ी मैं। उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा कर मुझे 2019 के दिसंबर में मेयर की टिकट दी एज दी ऑफिशियल कैंडिडेट। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द डर्टी पॉलिटिक्स दैट वी हैव इन आर सिटी एंड इन द कंट्री आई फेस्ड अ लॉस, बट आई थिंक फिर भी जिस हिसाब से लोगों का मेरे साथ सपोर्ट था और भिवंडी के सिटीजन्स का सपोर्ट था, आई डेफिनेटली बिलीव दैट बहुत से लोग हैं यहाँ जो चेंज देखना चाहते हैं और हम उसमें डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे। डेफिनेटली। तो अभी जब इलेक्शन की बात निकली है तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने फर्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस था और क्या चैलेंजेस आपको आए थे? सही बात बताऊँ तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। भले ही मैं भिवंडी में पली पड़ी हूँ पर मुझे मेरे नाम से लोग ज्यादा जानते नहीं थे। मेरे पापा मेरे दादा के नाम से, मेरे फैमिली के नाम से मुझे जाना जाता था। तो ये इलेक्शन का ये ऐसा समय था जहां मेरे पास चांस था लोगों को जाकर अपना खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए, मैं खुद क्या हूँ, क्यों केपेबल हूँ ये लोगों को बताने के लिए। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था। इनफैक्ट करीबन 4000 हाउसेज मैंने पर्सनली विजिट किए थे 30 दिनों के उस समय में, कैंपेनिंग के समय में। पर्सनली मैंने हर घर के बाहर चप्पल उतारकर अंदर जाकर लोगों से मिली थी, खुद का इंट्रोडक्शन दिया था, अपने बारे में बताया था बियॉन्ड माई फैमिली एंड माई लेगेसी। एनी टाइप ऑफ क्वालिटी या एबिलिटी अगर यूथ में हो, पब्लिक सर्विस की हो, पब्लिक लीडरशिप की हो, या जस्ट बेसिक कनेक्ट करने की, नेटवर्किंग करने की, तो उनको डेफिनेटली पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। और आज मुझे पॉलिटिक्स में अंदर रहकर नॉट जस्ट सिटी लेवल पे बट दिल्ली लेवल पे रहकर नेशनल लेवल पे जब मैं देख रही हूँ तो समझ पा रही हूँ कि यूथ का एक बहुत बड़ा there's a lack of youth in politics. Requirement बहुत बड़ा है क्योंकि आखिर हम currently India is the youngest country in the world. Exactly.
और जब यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो हमारी मांगे और कोई नहीं समझ पाएगा अनलेस वी एंटर द फील्ड एंड वर्क फॉर इट. बहुत से लीडर्स बड़े ओपन माइंडेड हैं और बड़ी समझ रखते हैं कि युवाओं को क्या चाहिए, पर और युवाओं के आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है. आई थिंक इट कैन ओनली बी बेटर एंड बेटर. सो आई जेन्युइनली बिलीव इलेक्शन में रोड पर उतरने के बाद और उसके बाद काउंसिल में बैठकर, इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल बॉडी में बैठकर, स्टेट बॉडी में बैठकर, मुझे इतना डेफिनेटली पता है और लास्ट 3 साल से मेरा सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जितने यूथ को मैं और पॉलिटिक्स से जोड़ सकूं, आई थिंक आपका हमारा सबका फ्यूचर उतना ही बेटर हो सकता है. बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली. एक ये जानना चाहूंगा मैं कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, हु इज योर फेवरेट लीडर? डेफिनेटली राहुल गांधी जी. मेरा पर्सनली, फ्रॉम कांग्रेस, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट मेरा पर्सनली उनसे 2-3 बार इंटरेक्शन हो चुका है और मेरे वो पर्सनल इंटरेक्शन से जो नॉलेज मुझे उनमें दिखी है, दैट नॉलेज इज समथिंग विच इज लैकिंग इन मोस्ट लीडर्स. एंड दैट इज नॉट जस्ट, मैं बाकी लीडर्स की बात नहीं करूंगी, बीजेपी वगैरह, इवन इन कांग्रेस इन जनरल, आई थिंक लीडर्स में एक बेसिक नॉलेज लैक होती है. correct. खाली पब्लिक स्किल्स के कारण शायद वो उसमें घुस जाते हैं, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो उसमें बहुत बड़ी दरार आ जाती है जहां पब्लिक का इंटरेस्ट हम पीछे छोड़कर खाली पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं. आई थिंक दैट फैक्टर ऑफ हैविंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो मुझे राहुल जी में दिखता है. सो आई एब्सोल्युटली लव इंटरेक्टिंग विद हिम एवरी टाइम आई डू. एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि In coming 10 years, where you are looking yourself? कि आप कहाँ अपने आप को देखना चाहती है, कि आने वाले 10 सालों में मैं क्या इस मुकाम पर मैं पहुँचना चाहती हूँ? It's a very interesting question. I think मेरा agenda बहुत clear है. Yeah. And one of my main agendas is obviously the city. हमारी city जो just 40-50 kilometers है इंडिया के financial capital से, just 18-20 किलोमीटर दूर है एक इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के, थाने सिटी से. एंड इतने पास रहकर भी हम जितना दूर हैं, जितने बैकवर्ड हैं, इट्स अनबिलीवेबल. हम कल्याण को ही देख लें. कल्याण क्या था 15-20 साल पहले, पर आज कल्याण कहाँ पहुंच गया है. और इसके बेसिक पैरामीटर्स है, कल्याण के प्रॉपर्टी रेट्स देख लो आज और भिवंडी के प्रॉपर्टी रेट्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. तो आई थिंक वेदर डायरेक्टली थ्रू पॉलिटिक्स और नॉट, मैं डेफिनेटली भिवंडी के लिए काम करना चाहती हूँ. मेरा बहुत क्लियर एजेंडा था इलेक्शन लड़ने के समय भी कि कचरा, पानी, रोड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी और कंटिन्यूसली चलने वाली है. जो आप 1950 से लड़ रहे थे वो आप 2050 में भी लड़ते रहोगे अलग चीज़ों के लिए. Correct. आज बहुत डेवलप्ड नेशंस में भी बड़े बड़े रोड ज़रूर होंगे पर वहाँ पर भी इश्यूज़ होते हैं. पर आई थिंक उसके बियॉन्ड सोचने की हमें बहुत ज़रूरत है जो फिलहाल भिवंडी में हम नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, हेल्थ केयर, लास्ट 3 सालों से बहुत पुश करने के बाद फाइनली आज बीजीपी हॉस्पिटल का मंडई में इनॉग्रेशन हुआ 15 अगस्त को. ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि एक एक अस्पताल करके, एक एक एडुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाकर ही हम इस सिटी को आगे लेकर जा सकते हैं. मेरी बहुत कोशिश रह रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग अलग लेटर्स वगैरह भेज के कौन सी बड़ी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो हम भिवंडी में खोल सकते हैं. आज बहुत से गांव ऐसे हैं महाराष्ट्र में, भिवंडी रिक्वायर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट 100%. आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एज अ लीडर इन अ सिटी यू हैव टू लुक एट द होलसम पिक्चर. आपको बस यही नहीं देखना है कि रोड कचरा है. Exactly. आपको यही नहीं देखना है कि एजुकेशन हेल्थ केयर है. आपको इकोनॉमी भी देखनी है, आपको लोगों की संख्या भी देखनी honestly, है. लेकिन क्या होता है मैंने मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आजकल है ना पब्लिक को सिर्फ वही चाहिए कि हमारे घर के बाहर इतना कचरा आ गया और ये हो गया, रोड अच्छी नहीं. मतलब इवन एज ए न्यूज चैनल हम लोगों को डेली के ना 8-10 कॉल आते हैं कि ना भाई यहाँ पे हमारे ना रोड खराब हो गया, इसकी न्यूज बनाओ, उसकी न्यूज बनाओ. मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है इसकी फिक्र किसी को नहीं है, और आगे हम लोगों का जो व्हाट यू कैन से एम्प्लॉयमेंट का क्या है उसकी फिक्र किसको नहीं है, हेल्थ इश्यूज है उसकी फिक्र किसको नहीं है. लेकिन बस, और जो हमारे भिवंडी के जो कॉरपोरेटर भी है सॉरी टू से, तो उनको भी ये रहता है कि अपना एक साफ सफाई कर लिया किसी नाले का, किसी गटर का, और फेसबुक पे फोटो डाल दिया.
बस, और मतलब उसके आगे भिवंडी की पॉलिटिक्स, वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ ये सर्टेन इश्यूज, सो मतलब यू कैन नो, आई एग्री एंड आई वांट टू एड्रेस दैट पॉइंट। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कंप्लीटली लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दूसरी सिटीज में इतना कचरा शायद नहीं दिखेगा, और आपकी सोच भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर रोज घर के बाहर निकल कर आप कचरा देख रहे हो तो आप उसके आगे सोच ही नहीं पाएंगे। तो मैं सिटीजन्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती हूँ, ये ऐसे इश्यूज है जो अब जब आपको रोज रोज सताएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही आएगा। ये मैं ब्लेम करना चाहती हूँ लीडरशिप पे, क्योंकि सिटीजन्स का काम वो नहीं है। सिटीजन्स का काम क्या है, सामने जो प्रॉब्लम दिखेगी वो लीडर्स को जाके बताएंगे, जिनको उन्हें राइटफुली उन्होंने वोट करके उस सीट पे बिठाया है। बट एज अ लीडर हमारा काम है एक होलिस्टिक अप्रोच रखना। एग्जैक्टली, इफ वी कांट थिंक बियॉन्ड एवरी डे, मैं और ये मैं डे वन से कॉरपोरेशन के असेंबली में कहते आ रही हूँ, महासभा में हमारी, कि हम भिवंडी में पिछले 10-20 सालों से खाली फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। और फायर फाइटिंग बोले मतलब बेसिकली, अच्छा आज ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, ये प्रॉब्लम आ गई इसको कैसे ठीक करना है। हम लोग ये कभी भी काउंसिल में या इन जनरल जब लीडर्स साथ में बैठे हों, इसकी कभी बात नहीं होती कि और कौन सा नया इंस्टीट्यूट हम ला सकते हैं, और कितनी हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम रिवैम्प कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डेवलपमेंट की बातें नहीं कर पा रहे, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पा रहा। We are going through a pandemic. अभी lockdown भी देखा सबने कुछ, तो so what you have learned from this pandemic or from lockdown? कि इसमें आपकी आपने क्या सीखा इसमें कुछ? बड़ा ही अनोखा पीरियड था मैं कहना चाहती हूँ। In fact मेरे घर पे एक डिवाइस पे हमने एक एल्बम बना के रखी है जिसका नाम है क्वारंटीन, जहाँ हम इस समय के फोटोज वगैरह सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये अगले 100 सालों में एक ये ऐसा समय है जो याद किया जाने वाला है। उसके कारण बहुत सी जाने गई हैं, और ये मैं बस भिवंडी की नहीं पर पूरे इंडिया की बात करना चाहती हूँ। हमारी पॉपुलेशन का टोटल महामारी ने पूरा आईना दिखा दिया, जो काफी समय से हम देखने को रेडी नहीं थे मुझे लगता है। और हम अनफॉर्चुनेटली इट वाज लाइक वी वर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, जिससे हम कुछ रिफॉर्म्स ला सकें। ऐसे समय में लोगों की जाने गई, जिसका बहुत दुख होता है, और एज अ लीडर डेफिनेटली लगता है कि क्या हम कुछ ना कर पाते जिनसे हम उन लोगों को बचा सकते। पर दूसरी जगह मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं बहुत से लेबरर्स भिवंडी में, हमारे वार्ड में हो या भिवंडी में हो, भिवंडी से बाहर हो, जो हाईवे से वगैरह चलकर जा रहे थे, बहुत से लोगों की हमने एकदम साइलेंट तरीके में मदद करने की बहुत कोशिश की। राज्य सरकार से हमने बहुत मदद लाने की कोशिश की इन सब के लिए। पर इसके बियॉन्ड आपने जैसे पूछा मेरी बेसिक लर्निंग, तो मेरी लर्निंग एक तो ये है कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, मुझे इस पैंडेमिक से ये पता चल गया है, क्योंकि ऐसा ही नहीं था कि 60-70 अब के बुजुर्ग की जान जा रही थी, आज 10 साल के बच्चे से लेके 30 साल के नौजवान से लेके 50 साल के एक बाप से लेके किसी की भी जान कभी भी जा रही है। देर इज नो मैथ्स टू इट या साइंस टू इट। एग्जैक्टली, तो आई थिंक लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। हम हर एक दिन को कैसे फुल्ली यूज कर सके, सीज द डे, कार्पे डीएम, दिस इज अ इट्स अ स्लोगन जिससे मैं मेरी जिंदगी जीती हूँ, कि सीज द डे, उस एक दिन में 24 घंटे को आप पूरा कैसे यूज कर सकते हो, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। और दूसरा मेरे दिमाग में ये जरूर आया कि कितनी जरूरत है हमें भिवंडी में रिफॉर्म्स लाने की। आई थिंक ये बड़ा आईना इस बार हमें दिख गया। डेफिनेटली लास्ट फ्यू हफ्तों में हमारे केसेस का काउंट बहुत कम हो गया है। हमारे नए कमिश्नर साहब को डेफिनेटली उसका सल्यूट मैं पर्सनली देके आई हूँ, क्योंकि उनके रिफॉर्म्स के कारण बहुत से चीज़ें रुक चुकी हैं। बट आई थिंक ये एक आईना ना कि जस्ट लीडरशिप के लिए पर सिटीजन्स के लिए भी था, एक हेल्दी लिविंग जो बोलते हैं, क्लीन लिविंग जो बोलते हैं, घर से कचरा बाहर ना फेंके, पब्लिक में यूरिनेशन ना करें, ऐसे बेसिक सेल्फ हाइजीन जो बोला जाता थी, जो आई कांट से 100% बट एटलीस्ट 10-20% पाली जाने लगी है। यस, सो आई थिंक दैट इज अ गुड
दिस थिंग फॉर अस. पर अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का, और आज हर युवा के पास इंटरनेट एक्सेस है, इट्स नॉट अ बिग डील. एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप या कोई भी एंगल से आप प्लीज खुद को और एडुकेट कीजिए. आप प्लीज खुद की स्किल्स को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसी हिसाब से अगर भिवंडी के युवा आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ये शहर भी आगे बढ़ेगा. मैम, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या, आपकी जो पॉलिटिक्स लाइफ है तो उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता है आपको? 100%. इनफैक्ट मैं जो यहाँ आज बैठी हूँ, 100% मैं फैमिली को मेरा ये देती हूँ. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, खून में होने के अलावा एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने बचपन से देखा है मेरे परिवार में, जहाँ हम समाज सेवा में बहुत बिलीव करते हैं, भले ही वो मैं जेल हूँ तो हमारे नहीं, मतलब मेरा पूछने एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये था कि सपोर्ट इन द सेंस कि मतलब कई आपको कुछ रिफॉर्म्स करना है, कुछ आपको आउट ऑफ द वे करना है, और फिर वो आपके पापा उसको उसकी परमिशन नहीं दे कि नहीं नहीं ये अपने को नहीं करना है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, एक्चुअली आपको ये आई डोंट नो सरप्राइजिंग लगेगा, फनी लगेगा या जो भी, पर मेरे घर में एक फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम है. मेरे छोटे से छोटा कोई कजिन भी हो, उससे लेकर दादाजी तो अभी खैर चल बसे, पर दादी जी पकड़ लीजिए, उनके लेवल तक हर एक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, हर एक को अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, और साथ में बैठकर सारे ओपिनियन सुनकर हम डिसीजन लेते हैं. तो एक फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम है. पापा मेरे 100% समझते हैं कि मैं एक अलग सोच लेकर आ रही हूँ. एडुकेशन के कारण डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट एक्सपोजर लेकर आ रही हूँ, और मैं ये 100% बिलीव करती हूँ कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल का और ऐसे नेटवर्क कनेक्शंस लेकर आ रहे हैं. तो हम दोनों समझ मिलकर साथ में काम करते हैं. उनका एक्सपीरियंस, मेरे न्यू थॉट्स, उसको साथ में हम मिलाकर कैसे हमारे वार्ड के लोगों के लिए अच्छा काम कर सके, ये हमारा मुद्दा रहता है. मैं तो बोलूंगा कि आप वार्ड बोलना छोड़ दीजिए, आप आपसे भिवंडी आगे बढ़े, मतलब वार्ड से आगे ये करें. नहीं नहीं, 100% भिवंडी नीड्स यू, ये मेरा एक हाँ पर्सनल ये है मेरा ओपिनियन है. अच्छा, सेकंड थिंग मैं ये बोल रहा था कि कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा आपके इसमें, मतलब जैसे कि महानगर पालिका में ऐसा कुछ हुआ है कभी, कुछ एक आपको याद होगा कोई आपके मेमोरी में कुछ एक ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ होगा या कुछ? एक्चुअली बहुत हुए थे. तो इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम हमारी जो फर्स्ट महासभा थी, वहां जब मैं खड़ी हुई थी सबसे पहले बोलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली एक तो मेरी बोलने की स्पीड के कारण थोड़ी ज्यादा इंग्लिश शायद मैंने बोल दी थी, हाँ थोड़ी शायद ज्यादा इंग्लिश बोल दी थी, या मैं क्राउड को मेरे समझ नहीं पाई. तो आई थिंक स्टार्टिंग में ऐसा फेज था जहाँ मोस्ट नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. और मेरे में इतना एक्साइटमेंट था, मेरे में इतने नए थॉट्स थे. एक युवा का जो जोश होता है जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मैं इतनी चीजें शेयर कर रही थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था, या समझ रहे थे पर एक्सपीरियंस से वो जानते थे कि ये चीजें होना मुश्किल है या नामुमकिन है. तो आई थिंक वो एक फेज मेरे लिए बहुत फनी था. तभी जावेद दलवी जी महापौर थे, हाँ महापौर की सीट पर बैठे थे, और वो मुझे कई बार बताते रहते थे, मेरे जो भी भाषण होते थे महासभा में उसके बाद मुझे डेफिनेटली बताते थे कि उसमें से कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें मुश्किल हैं करने के लिए, कैसे मैंने चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए. ऑब्वियसली पापा का 100% सपोर्ट रहता था उसमें, और बाकी के लीडर्स भी. और यहाँ इनफैक्ट मैं बताना चाहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ कौन से पार्टी से लीडर्स चुनकर आ रहे थे, सभी मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी आइडियाज को सपोर्ट करते थे. और जहाँ आइडियाज मेरी फनी लगती थी तो वो भी मुझे बताते थे कि बेटा ये होना मुश्किल है. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस शो स्पेशली फॉर द लेडीज ऑफ भिवंडी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर द गर्ल्स और फॉर द लेडीज, फॉर हाउस वाइफ, मतलब जितने भी महिला वर्ग है, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ये इनफैक्ट कल ही के दिन एक वुमेन्स इक्वालिटी डे था, कल के दिन मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे. अपने ही परिवार से देखकर मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से, और मेरे परिवार को बहुत से व्यूअर्स पर्सनली जानते होंगे,
जिस हिसाब से मैं मेरी माँ का और मेरी दादी का सपोर्ट देखती हूँ परिवार में, ना जस्ट मेरे पापा या मेरे दादा जब थे उनके लिए, पर हम सब के लिए भी, कि हम आगे बढ़ पाए, हम परिवार के लिए और संसार के लिए कुछ कर पाए, ये दिमाग में लेकर जिस हिसाब से वो सपोर्ट देती हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली हाउसवाइफ होना इज नॉट अ बैड थिंग, जो आज के ज़माने में शायद बहुतों को लगता है। अगर आपकी ये पर्सनल चॉइस है तो आप डेफिनेटली एक घर में रहकर जो घर बना सकती है उस लेडी से स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे पापा को, मेरे दूसरे भाई बहनों को सक्षम करने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है या मेरी दादी का है। तो हाउसवाइफ होना इज डेफिनेटली नॉट अ बैड थिंग, पर मैं 100% महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई हुनर है, अगर आप में काम करने की कोई भी इच्छा है, तो आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देती है। एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानती हूँ VNNO के नाम से, जो करीबन 1500 से 1700 महिलाओं को बिजनेस का एक बेस बनाकर देती है, जो घर से बैठकर बिजनेस कर सके और उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर्स ढूंढ सके। ये एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे यहाँ लोकली काम करती है तो मैं जानती हूँ, पर ऐसी अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आई थिंक आपको उनसे जुड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं से कि आज हम जो भी कल्चर देख रहे हैं इंडिया में, भले हम ये रेप कल्चर की बात करें या महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात करें, मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि बच्चों को बड़ा करने में एक बहुत बड़ा हाथ माँ का होता है। तो मैं जितनी माएँ हैं, आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि कोई भी माँ कभी गलत संस्कार बच्चे को नहीं देती है, पर जाने अनजाने में बहुत बार हम घर में ही एक इनइक्वालिटी पैदा करके रख देते हैं। और छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर एक बेटी और एक बेटा दोनों बैठा हो, तो बेटे को आप कभी झाड़ू मारने नहीं बोलोगे, बेटी को बोलोगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ट्रस्ट मी, इनसे ही वो सीड एक दिमाग में बैठता है जो कल उठकर बड़ा हो जाता है। हम बचपन की उम्र से ही बच्चों में वो मेल ईगो को एक बूस्ट दे देते हैं। हाँ, इसमें ये है कि कोई लड़का अगर रोता है तो बाप, मतलब उसके जो बाप या उसका, वो पहले बोलेगा कि क्या लड़की की तरह रोता है। मतलब ये हमारा माइंडसेट होना है कि वेरी गुड, लड़कियां ही रोती है। नहीं, 100%। और आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है यहाँ पर, तो मैं इसके द्वारा बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई माँ कभी बच्चों को गलत संस्कार नहीं देती है, पर एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ एज एनी फीमेल मेंबर इन द हाउस, मेरा मानना है कि अगर आप अपने घर के आदमियों में एक रिस्पेक्ट महिलाओं को देने की प्रोसीजर चालू करेंगे, तो अपने आप वो बाहरी दुनिया में भी होगा। दूसरी बात महिलाओं से ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को राजनीति में उतरने की, बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं ये ओपनली झूठ नहीं कहना चाहूँगी कि इजी फील्ड है, ये नहीं कहना चाहूँगी कि जो गंदी फील्ड हम कहते हैं वो गंदा नहीं है, गंदा 100% है, बट और से और जितनी महिलाएं जुड़ेगी, अपने आप, जैसे जितनी महिला घर में आती है तो घर अपने आप सुधरने लग जाता है, वैसे जितनी महिला यहाँ आएगी अपने आप ये फील्ड सुधरने लग, मतलब यहाँ पे भी मर्दों को सुधारने के लिए औरतें चाहिए। 100% आई थिंक मर्दों के पीछे सबसे बड़ा हाथ औरतों का होता है, सबसे बड़ा हाथ। और मेरा ये मानना है कि 50% रिजर्वेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स में, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक्टिव महिलाएं नहीं ढूंढ पाते हैं। बट स्टिल ये हो जाता है कि मतलब मिसेस के नाम पे वो हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, लेकिन 100% मैं आपसे फुली मानती हूँ। इनफैक्ट जब मैं इलेक्शन के लिए उतरी थी तो मेरे बारे में भी ये बहुत कहा गया था कि बेटी के नाम पर भरा जा रहा है, पर वो मेरे हाथ में भी था थोड़ा। मैंने ये बड़े क्लियरली बताया था पापा को कि अगर ये स्टैंप, आप समझ रहे हो कि मैं स्टैंप रहूंगी और आप मेरे नाम पर यहाँ पॉलिटिक्स खेलोगे, तो मैं नहीं रहूंगी, आपकी बहुत बेटियां होंगी यहाँ घर में और उसको छोड़ के आपके साथ बहुत हैं जो आपको शायद सपोर्ट करेंगे। अगर आप मुझे एक लेवल फील देंगे जहां मैं अपने मुद्दे रख सकूं और मैं एज अ लीडर आगे बढ़ सकूं, तो मैं इसमें घुसना चाहती हूँ।
तो डेफिनेटली उससे बात करते हुए महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनल महिलाओं के लिए बस यही संदेश रहेगा कि बहुत सी बार ऐसा होता है, और ये मैं महिला ही नहीं, शायद घर के आदमियों द्वारा भी, बचपन से एक जो चिंगारी होती है दिल में उसे कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, स्पेशली बेटियों में। तो सारे बुजुर्गों से, पेरेंट्स से और जितने भी हैं जिनके आसपास बच्चे हैं, उनसे एक नम्र विनंती करना चाहती हूँ कि आगे की दुनिया बदल रही है, तो आप बचपन से प्लीज किसी भी बच्चे की दिल की चिंगारी को मत मारिए, उनकी ज्वाला को अंदर जलने दीजिए, क्योंकि कल उठकर वो बच्ची आपको कितना नामचीन, आपका अगर मोटो है तो नामचीन बना सकती है, पैसा वाला बनना है तो वो भी बना सकती है, या आपके परिवार को कैसा प्राउड फीलिंग वो ला सकती है आप बचपन में नहीं जानते हो। तो आप प्लीज कोई भी अपनी बच्ची की या बच्चे की भी कोई चिंगारी, कोई ज्वाला को मत मारिए, उन्हें बढ़ने दीजिए, उन्हें खुद के यू नो विंग्स से फ्लाई करने दीजिए, और परिंदे हैं सब, कहाँ घूमकर कहाँ परिवार को लेकर जाएंगे आप और मैं आज नहीं जानते हैं। तो बस यही संदेश मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, हमारे साथ में आपने इतना ज्यादा वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं हमारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसी लोगों के अंदर छवि बन जाती है, मतलब एक नोशन आ जाता है कि इनको, इनके लिए तो बहुत आसान था, इनके पापा जो है ऑलरेडी फील्ड में है, इनके पास में बहुत सारा पैसा है, तो इनको, इनके लिए सारी चीजें इजी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आदमी की खुद की क्वालिटी होती है, एक आदमी का खुद का टैलेंट होता है जिसके ऊपर वो अपने आगे आता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे कितने सारे जो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि उदय यश चोपड़ा, तो उनका बेटा उदय चोपड़ा, तो वो कहाँ, वो मतलब ही इज नो मोर इन द इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप सुनील गावस्कर के बेटे को देख लो, उसके लिए सब कुछ ईजी था, बट स्टिल ही इज नो मोर इन द क्रिकेट। तो उसी तरह से आदमी के अंदर भी एक टैलेंट होना चाहिए, आदमी के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैडम से बात करके हमें लगा कि नहीं, इनके पापा की लेगेसी तो है, लेकिन उसको उन्होंने कितना बखूबी संभाला है और आगे लेके जा रही है, ये हमें इससे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही देखते रहिए हमारा उड़ान शो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले कि आपको मैडम का प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।